एवरीवन, दिस इज सुमित शर्मा हेयर एंड आज हम फाइंड करने जा रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। हालांकि क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, और मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर के जो कॉन्सेप्ट है वो मैं डील कर चुका हूँ। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाइए कॉन्सेप्ट एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में, वहाँ मैंने सारे कॉन्सेप्ट एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के साथ डील किया है, सब कुछ वहाँ समझाया है। तो वहाँ जाके सारे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं उनको देख लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको ये कंटेंट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। ये तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा फॉर्मूला ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन एक्स एक्स डैश वाई डबल डैश। इसको हम डैश बोलते हैं, ठीक है ना। इसको डैश नहीं बोलते हैं, डैश डैश नहीं, अपनी आराम के लिए हम डैश बोल सकते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं एक्चुअली प्राइम, ठीक है ना। ये जो डैश तरीके के दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं प्राइम। यानी ये है एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर। तो इसको अगर ऐसे बोलेंगे तो एक सही प्रोनाउंसिएशन बैठेगा, ठीक है ना, और ऐसे जल्दी याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे। तो फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए इंटू, यहाँ पे पैरामेट्रिक पॉइंट्स दे रखे हैं, एक्स इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा और वाई इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा। तो ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनको हम डिफ्रेंशिएट करके, यानी हम एक्स प्राइम निकालेंगे, एक्स प्राइम का मतलब डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, वाई प्राइम का मतलब डी एक्स बाई डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है ना। तो हमने वाई प्राइम निकाल लिया डी वाई बाई डी थीटा, यानी हम इसको डिफ्रेंशिएट किए, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करना बहुत अच्छे से आता होगा, वो तो 11 से 12 से पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल चीज़ है। एक्स डबल प्राइम निकालेंगे, इसी को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा। वाई डबल प्राइम निकालेंगे तो ये मिलेगा हमें, ठीक है ना। यहाँ देखिए डी वाई बाई डी थीटा का मतलब ये कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस ख़त्म, यानी बचा क्या हमारे पास ए साइन थीटा, ठीक है। बहुत ही क्लियरली और सिंपली है ये। वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। हाउ? इसी को डिफ्रेंशिएट किया हमने, ए कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा ये हो गया। बाकी समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है एक्स प्राइम स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ प्राइम स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स प्राइम स्क्वायर किया है। इसका स्क्वायर किया जो हमने इसका, तो हमारे पास ये मिला, कुछ ऐसा मिलेगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा देंगे, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा, वाई प्राइम स्क्वायर इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स वाई डबल प्राइम, क्योंकि हमें यहाँ पे ये चाहिए होता है, इसलिए हमने प्रोडक्ट यहीं पर फाइंड कर लिया। सारे टर्म्स हमें पहले फाइंड कर लेंगे, उसके बाद सारे एक साथ ही पुट कर देंगे, डाल देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये आया एक्स वाई डबल प्राइम, ये आया हमारे पास एक्स डबल प्राइम वाई प्राइम, ये आया, ठीक है ना। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करें, यानी एक्स वाई डबल प्राइम जैसे ये लिखा है, ये एक्सप्रेशन हमें चाहिए, तो ये चीज़ है वो। तो हमने इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर माइनस आएगा, इसके आगे इस टर्म के आगे माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो इसको प्लस बना देगा, ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन हो गया पूरे में से, तो ए स्क्वायर इंटू वन प्लस कॉस थीटा, ये हो गया। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला। जो फॉर्मूला हमने देखा था ये वाला, ये रो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पी नहीं है, रो है, ठीक है ना। रो मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मूले में रखा सब, रो इज इक्वल टू इतना, ठीक है। एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर सब कुछ हमने फाइंड कर लिया था ऑलरेडी, तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास। ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो बाहर आ जाएगा हमारे पास ए क्यूब, ए क्यूब जब बाहर आएगा तो नीचे ए स्क्वायर है, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन बची यहाँ पर, और कुछ बचा नहीं है। जब यहाँ पर कॉमन आएगा हमारे पास ए क्यूब, तो नीचे ए स्क्वायर है, ए बचेगा ऊपर सिर्फ, ऊपर क्या है अब देखिए, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, वन प्लस वन वन प्लस वन टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू प्लस टू कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि ये हो गया, ऐसे बनेगा कुछ। नीचे क्या है, वन प्लस कॉस थीटा, यहाँ से टू कॉमन लेंगे तो टू की पावर थ्री बाई टू, और यहाँ पे हमारे पास कुछ अंदर बचेगा इस तरीके का, वन प्लस कॉस थीटा हमें पता होना चाहिए टू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर थ्री बाई टू से वन बाई टू हो गया, कैसे देखिए, यहाँ से जब टू कॉमन लेंगे तो बचेगा वन प्लस कॉस थीटा, नीचे भी वन प्लस कॉस थीटा। हमें पता है जब नीचे कुछ होता है, इसको मैं मुझे आप लोग को एक कॉपी पे करके दिखाना पड़ेगा, तो थोड़ा वेट करिए, मैं करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आई एम सॉरी, देखिए अगर ऊपर हमारा ए की पावर टू बाई थ्री है, मतलब ये एक एग्जाम्पल तौर पर मैं ले रहा हूँ, नीचे ए है, तो हम क्या करते हैं, तो हमारा ए की पावर टू बाई थ्री माइनस वन हो जाता है, क्योंकि ये जो नीचे ए है इसकी पावर वन है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर टू बाई थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा,
एक्चुअली यहाँ पे 3/2 है, 2/3 नहीं, तो ये 3/2, 3/2, इसको मैं ये भी लिख देता हूँ, ए की पावर 3/2 -1, ठीक है, 3/2 -1 का मतलब ए की पावर 1/2, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ऑल ओवर 1/2 बचा है, 2 cos² θ/2। अब देखिए 2 cos² θ हुआ, तो यहाँ देखिए 2 की पावर 1/2 बाहर निकलेगा, यहाँ 2 की पावर 3/2, और बेस से में पावर ऐड हो जाएगी 2 की, देखिए 2 की पावर 3/2, और यहाँ से निकला 2 की पावर 1/2, ठीक है, तो 2 की पावर 3/2 + 1/2 4/2 हो जाएगा, यानी 2/2। एक्चुअली कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं आप लोगों को करके ही दिखा देता हूँ, 2 की पावर 3/2 × 2 की पावर 1/2, जब ऐसे होगा तो 2 की पावर 4/2 बनेगा, 3 + 1 4/2, यानी 2² बचेगा हमारे पास, ठीक है, बहुत सिंपल। आगे देखते हैं हम लोग, ये हमारे पास आ गया कितना, 2 cos² θ/2, cos² θ/2 का यहाँ देखिए हाफ पावर लगा है, हाफ पावर का मतलब ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास रो इक्वल्स टू 4a cos θ/2, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, किसकी, जो पैरामीटर कर्व हमें दिए हुए थे ये, ठीक है ना, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 4a cos θ/2, ठीक है ना, तो ये रहा इसका सोल्यूशन। बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।